हमें बचने और हमारे जंगल को बचाने की हमको भी अधिकार है, जीने का अधिकार है, तो हम कोई प्रस्ताव कर रहे हैं उस पर अमल करो, लेकिन सरकार अमल नहीं कर रही है। अभी फिलहाल जो पेड़ कटिंग हुआ उसमें हमारे 7 साथियों को जो हरदेव की लड़ाई लड़ रहे हैं उनमें से 2 सरपंच हैं जो घाड़बरा पंचायत थे जगन्दन सिंह पुरते हैं, और बासन पंचायत थे वहाँ से श्रीपाल सिंह पुरते हैं, और हरदेव के और जो मुखिया साथी हैं रामलाल करियाम आनंद खुसरो, ऐसे लोगों को पुलिस 3:30 बजे रात में जाती है और पूरे घर को घेरा डालती है, 15 से 20 पुलिस प्रत्येक घर में, और उनको सीधे आवाज करते हैं, और आवाज करने के बाद जब वो जैसे बाहर आते हैं और ऐसे उनको उसी स्थिति में पकड़ करके थाने ले जाते हैं, और पूरे दिन भर मैंने थाने में बैठाई जाती है और पेड़ कटिंग होता है। हमारे बासन का जो सरपंच है उनको अभी ठंड का मौसम है, दिल्ली में जैसे ठंड है वैसे ही हमारे हरदेव की जो इलाका है वहाँ भी अच्छा ठंड पड़ता है, मात्र जो बासन की सरपंच है श्रीपाल पोरते वो गमछा, कोई रात में सोएगा तो सरपंच पहन कर तो नहीं जैसे सोते हैं वैसे, मात्र गमछा को लपेट करके बाहर निकले, दरवाजा को खोले, और चप्पल भी नहीं, चप्पल भी उनके पैर में नहीं पहने थे, और पुलिस जैसे उनको आवाज दिया बाहर निकलते हैं और उनको दोनों हाथ को पकड़े और बोले कि चलिए TI मैडम बुला रही हैं और वहीं आपको जाना है। उनको न चप्पल पहनने दिए, न कोई गर्मी कपड़ा पहनने दिए, न शर्ट पैंट पहनने दिए, और ऐसे ही उनको थाने में ले गए, और जब वहां जा करके हमारे सरपंच बोलते हैं कि भाई मुझे इन लोग बिना कपड़ा के सही ले आए हैं, और अभी भी तो TI मैडम वहां से उनके लिए कपड़ा खरीद दी लेकिन न घारे आने दिए न कुछ नहीं, उनकी सारे बातों को नहीं सुना गया। तो इस प्रकार से जो हमारे हरदेव को लड़ने वाले जो साथी हैं उनके साथ बर्बरता पूर्वक जो सरकार और जो पुलिस प्रशासन है वो कर रही है तो बहुत दुखद है। हम 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और वास्तविक में हम आदिवासी हैं, जंगल का जो क्षेत्र है वहाँ हम रहते हैं, तो बात ये नहीं है कि हम एक अंधे कानून पे चलते हैं, हमारे लिए भी वहाँ संवैधानिक कानून है, हम भी विकास को भी समझते हैं, सारी चीज को भी समझते हैं, लेकिन हमारे साथ जिस प्रकार से बर्बरता किया जाता है और जंगल को कटवाई जाती है, अन्याय पुलिस के द्वारा हमारे साथ किया जाता है, कई साथी 7 लोगों के ऊपर फर्जी FIR दर्ज करके रखे हैं जो हरदेव को बचाने वाले जो साथी हैं उनके ऊपर, और जब कभी भी ऐसे स्थिति आता है कि पेड़ कटिंग होना है तो उनके घर में पुलिस की टीम पहुंचती है और बोलती है कि आपके ऊपर FIR दर्ज है, आप कुछ बोलोगे तो सीधे जेल में डालेंगे, ऐसे करके हर समय धमकाने का काम वहां चलता रहता है। और जब अभी हमारे जो 7 लोगों को उठा करके पुलिस ले गई, जब पुलिस के SP और IG हैं उनसे हमारे साथी बात करने की कोशिश किए कि भाई उनको आप उठा करके क्यों लाए थे, तो उनका कहना है नहीं उनके पूछताछ करना था, पूछताछ कुछ नहीं होता है, जो FIR दर्ज उन लोग फर्जी तरीका से कर दिए हैं वो डरवाने और धमकाने के लिए, वहाँ कोई पूछताछ नहीं किया जाता है, सिर्फ उनको बैठा दिया जाता है क्योंकि उनको हमारे जंगल में उसको खदान के लिए पेड़ काटना है। तो ऐसे जो स्थिति हम लोगों का जो हरदेव के क्षेत्र में सरकार के द्वारा बनाया गया है, और हम लगातार अपील कर रहे हैं कि इस प्रकार से हमारे साथ अन्याय ना हो, हमारे हरदेव की जो इलाका है पूरे जीव जंतु आदिवासियों का रहवास क्षेत्र है, हरदेव नदी का कैचमेंट एरिया है, वो मैंने एक झूठी विकास के लिए खत्म ना किया जाए, और उसके लिए लगातार हम पूरे देशवासियों से क्षेत्रवासियों से अपील कर रहे हैं, और मैं अभी भी अपील करना चाहूँगा कि हरदेव को
अगर हम नहीं बचाएंगे तो आगे जो भविष्य होगा वो बहुत ही नुकसान होने वाला है, जो पर्यावरण की स्थिति में हमारे जो संविधानिक रूप से ग्राम सभा है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, पांचवी अनुसूची का पालन नहीं किया जा रहा है, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जीव जंतु हैं उसकी रहवास है उसको खत्म किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देख करके हम आगे इस क्षेत्र को नहीं बचाएंगे तो कानून पर भी विश्वास लोग नहीं करेंगे, ऐसे हम लोगों को लगता है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरे देशवासी हमारे हकदेवों की आंदोलन को हम 10 साल से लड़ रहे हैं, हमारे साथ आए और हकदेवों को बचाने के लिए सब लोग सहयोग करें, धन्यवाद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है, इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया, आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है, आप ऑडियो भी देख सकते हैं वीडियो भी देख सकते हैं, माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।